हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम जानेंगे टाइप ऑफ बीयरिंग के बारे में। पहला है जनरल बीयरिंग और दूसरा है एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग। जनरल बीयरिंग सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, उसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं रहता है, चाहे वो बाल चाहे स्पेरकल कुछ भी नहीं रहेगा। एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग जितने भी बाल बीयरिंग है, स्पेरकल रोलर बीयरिंग है, सिलेंडर रोलर बीयरिंग है, डेली बीयरिंग है, ये सारे एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग के कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करते हैं जनरल बीयरिंग का, जनरल बीयरिंग सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी इसमें रहता है। तो सबसे ज्यादा जो जनरल बीयरिंग का यूज और एप्लीकेशन आप देखे होंगे वो बाल मिल में होगा। जो बाल मिल का टोनियन है वो जनरल बीयरिंग का रहता है, जो काउंटर शाफ्ट है वो भी जनरल बीयरिंग का ही रहता है। जो हैवी मोटरें हैं बड़े साइज की 5000 किलोवाट से ऊपर की, वो देखेंगे करीब करीब वो व्हाइट मेटल बीयरिंग का, मतलब जनरल बीयरिंग का ही बना रहता है। जनरल बीयरिंग में दो टाइप के होते हैं, पहला है हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक। तो जो हाइड्रोडायनेमिक है उस केस में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल पंप लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। मान लीजिए जो बाल मिल है, बाल मिल का जो काउंटर शाफ्ट बेयरिंग है जो पिनियन को चलाता है, टॉर्सन शाफ्ट है, टॉर्सन शाफ्ट में पिनियन और पिनियन घुमा रहा है गर्द गियर को, तो जो पिनियन को घुमाने के लिए जो काउंटर शाफ्ट बेयरिंग लगा रहता है आप देखेंगे वो हाइड्रोडायनेमिक रहता है। तो शाफ्ट उस सीधा व्हाइट मेटल बेयरिंग पे ही माउंट रहेगा और बेयरिंग हाउसिंग के इनसाइड में एक सफिशियंट लेवल में ऑयल फिलअप रहेगा, तो वो एज ए लुब्रिकेशन यूज हो रहा है। जैसे ही स्टार्ट होता है एक ऑयल फिल्म बना रहता है, वो ऑयल फिल्म ही शाफ्ट के ऊपर में माउंट होकर सीधा एक ऑयल फिल्म जनरेट करेगा जैसे ही स्टार्ट होगा और अपने फुल स्पीड में आएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन आप देखते होंगे जितने भी ट्यूनियन बीयरिंग है, ट्यूनियन बीयरिंग क्या बाल मिल स्टैंड स्टील है, लेकिन जब उसको चलाना रहता है तो सबसे पहले एक हाई प्रेशर पंप एक्ट होगा। हाई प्रेशर पंप करीब करीब 150 बार का प्रेशर अप्लाई करेगा। जहां शाफ्ट है जनरल है, जनरल के ऊपर शाफ्ट है, तो बॉटम में ही हाई प्रेशर पंप से ऑयल जाएगा और शाफ्ट को करीब करीब 0.1 mm 100 माइक्रोन 150 माइक्रोन तक उसको लिफ्ट कर देगा। तो वहां पर क्या है कि 200 माइक्रोन 150 माइक्रोन का एक ऑयल फिल्म जनरेट हो जाएगा। तो ऑयल फिल्म जनरेट होगा जिससे क्या है कि जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट है वो नहीं होने पाएगा और जैसे ही ड्राइव चलेगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा तो व्हाइट मेटल बीयरिंग डैमेज होने का चांस नहीं रहेगा। जब बाल मिल फुल स्पीड में आ जाएगा तो एक ऑयल फिल्म का लेयर शाफ्ट के ऊपर में प्लस बीयरिंग के इनर सरफेस पे बन जाएगा, तो उन दोनों के बीच में ऑयल फिल्म के ऊपर में पूरा बाल मिल रोटेट करना चालू कर देता है। जनरल बीयरिंग का केस एक और है। जनरल बीयरिंग के केस में आप देखते होंगे हाइड्रोस्टैटिक का यूज, रॉ मिल का, प्लेनेटरी ड्राइव गियर बॉक्स, जब टेबल का मूवमेंट होता है तो वहां पर देखेंगे कि कई सारे व्हाइट मेटल बीयरिंग का पैड लगा रहता है और उन पैड में बॉटम में एक हाई प्रेशर पंप के साथ कनेक्ट रहता है पाइप, करीब 100 mm का एक हल्का सा सिलेंडर पोर्शन मेंटेन किया जाता है व्हाइट मेटल बीयरिंग के सेंटर में और करीब 4 mm का एक होल होता है जहां से एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है टेबल के बॉटम में, तो टेबल को करीब करीब 200 माइक्रोन तक वो लिफ्ट कर देता है। उस लिफ्ट को भी चेक करना रहता है कि कितना हमारा टेबल लिफ्ट होगा। जैसे ही लिफ्ट हुआ, 200 माइक्रोन तक लिफ्ट हुआ, तो वहां पर एक ऑयल फिल्म जनरेट हो गया। ऑयल फिल्म जनरेट हो गया उसके बाद में टेबल मूव करना चालू करता है, तो इससे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट नहीं होने पाता है। तो ये था हाइड्रोस्टैटिक का केस। और वो जो ट्यूनियन बीयरिंग है वो हाइड्रोस्टैटिक है, लेकिन जो काउंटर शाफ्ट बीयरिंग है वो हाइड्रोडायनेमिक है। तो ये था जनरल बीयरिंग का एग्जांपल। अगर हम बात करते हैं जनरल बीयरिंग का और भी एप्लीकेशन के बारे में, तो सबसे ज्यादा ये तो क्लियर हो गया कि ये हैवी लोड के लिए जाने जाते हैं, जहां पर हैवी लोड रॉ मिल में यूज होता है, ग्राइंडिंग के दौरान हैवी लोड आया, बाल मिल में ग्राइंडिंग के दौरान हैवी लोड आया, वहां भी जनरल बीयरिंग का यूज हुआ, किलन में, किलन के जितने भी सपोर्टिंग रोलर है वो सारा हाइड्रोडायनेमिक एप्लीकेशन पे ही जनरल बीयरिंग ही रहता है। जो जनरल बीयरिंग का मेटल होता है, व्हाइट मेटल होता है, ब्रोंज है, इन सभी का यूज होता है। किलन है तो वहां पर ब्रोंज का यूज होता है, बाल मिल है, काउंटर शाफ्ट बीयरिंग है, या 5000 किलोवाट से ऊपर के जितने भी एसटी मोटरें हैं तो वो जो शाफ्ट है वो व्हाइट मेटल, वो भी जनरल बीयरिंग या व्हाइट मेटल बीयरिंग पे ही एक्ट करती हैं। तो उसमें भी क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक
ही आप देखते होंगे कि सबसे पहले एक हाई प्रेशर के साथ में दिया जाता है, प्रेशर जनरेट किया जाता है, एक ऑयल फिल्म जनरेट होता है शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में, जिससे कि ऑयल फिल्म जनरेट हो पाए, उसके बाद ही मोटर को चला जाता है। तो ड्राइव इंड और नॉन ड्राइव इंड दोनों ही इस टाइप के होते हैं। जहां पर छोटे साइज का लोड कम है तो वहां पर जनरली एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का यूज होता है। ऐसा नहीं कि बाल मिल में हम हमेशा जनरल बेयरिंग ही यूज होता है, छोटे साइज के बाल मिल, मान ली 50 TBD का है, 200 TBD का है, छोटे साइज के बाल में वहां पर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग यूज होता है। लेकिन अगर वहीं पर 400 TPH 500 TPH का अगर बड़े साइज के बाल मिल आप देखते होंगे तो वहां पर जनरल बेयरिंग का यूज होता है। एक है बुश बेयरिंग। बुश बेयरिंग जनरली क्या है कि लो लोड के लिए अप्लीकेबल होता है। बुश बेयरिंग जनरली आप देखोगे कि जितने भी डबल फ्लैप वाल्व है, सिंगल फ्लैप वाल्व है, तो वहां पर बुश बेयरिंग का यूज होता है। तो उसमें क्या है कि छोटा सा हल्का सा लुब्रिकेशन पॉइंट दे दिया जाता है और जो बुश होता है वो कोशिश किया जाता है वो उसमें रस्ट ना लगने पाए, तो वो ब्रॉन्ज का, पीतल का ये बना रहता है या कास्ट आयरन का आपको देखने को मिलता होगा, जिससे कि रस्ट फॉर्मेशन ना हो। अगर बुश बेयरिंग सिंपल MS का बना रहेगा तो उसमें रस्टिंग फॉर्मेशन होने के चांस रहेगा, वो सीज होने का डर रहता है। तो इसीलिए ऐसा बनाया जाता है कि उसमें रस्ट ना हो। SS का स्टेनलेस स्टील का भी बुश रहता है। दूसरा है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में आपको हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आने वाले सीरीज में बताएंगे। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में क्या है कि बॉल बेयरिंग आएगा, रोलर बेयरिंग आएगा, जितने भी रोलिंग एलिमेंट इनर केज और आउटर केज में जितने भी रहते हैं वो सारे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में होते हैं। टाइप ऑफ बॉल बेयरिंग, टाइप ऑफ सिलेंडर रोलर बेयरिंग, टाइप ऑफ स्पेरिकल रोलर बेयरिंग, टेपर बेयरिंग, निडल बेयरिंग, तो ये सारे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में आएंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि क्या हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग है, क्या हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग है, जनरल बेयरिंग के कैटेगरीज में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।